हाउ टू चेक केदारनाथ वेदर। अगर आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि वहाँ का वेदर यानी मौसम कैसा है, तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह बहुत ही आराम से केदारनाथ के मौसम को देख सकते हैं और उसके अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, चारधाम की यात्रा चालू हो चुकी है और काफ़ी लोगों ने अपना ई पास क्रिएट कर लिया है। जिन लोगों ने ई पास क्रिएट नहीं किया है वो अभी पेंडिंग में है, क्योंकि ई पास टाइम टू टाइम खोले जाते हैं। जिन लोगों को पता चलता है वो अपना ई पास बुक कर लेते हैं और जिन्हें नहीं पता चलता वो वेट करते रहते हैं। तो अगर आपको ई पास से जुड़ा अपडेट चाहिए कि वो कब ओपन होते हैं, तो आपको जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर में उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से उससे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जैसे ही ई पास ओपन होगा उसका पूरा अपडेट दूंगा। अब काफ़ी लोगों का प्लान बन चुका है, ई पास बुक हो चुका है, अब उनको दिक्कत आ रही है कि वहाँ का मौसम कैसा है, हम अपनी प्लानिंग किस तरह करें। तो देखिए, मैं आपको उसी एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जिस एप्लीकेशंस का मैं यूज़ करता हूं। हालांकि आप गूगल के माध्यम से भी केदारनाथ के मौसम का हाल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं एप्लीकेशंस का यूज़ करूंगा क्योंकि उस एप्लीकेशंस में मुझे बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। फिर उसी के अनुसार मैं अपना ट्रिप का प्रोग्राम बनाता हूँ और उसी के अनुसार जितने भी मेरे गर्म कपड़े हैं वही रखता हूँ। तो पहले मैं आपको डेस्कटॉप पर दिखा देता हूँ कि आप किस तरह केदारनाथ का वेदर चेक कर सकते हैं, वो एक नॉर्मल बच्चा भी कर सकता है। तो चलिए यहाँ मैं गूगल खोल लेता हूँ। गूगल पे आके देखिए मैंने केदारनाथ वेदर लिखा है और ये पूरा का पूरा मेरे सामने इसका अपडेट आ चुका है। ये आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। आपको यहाँ 1 वीक का या आप जितने चाहें उतने टाइम का आपको यहाँ अपडेट मिल जाएगा और उसी के अनुसार आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ, जहाँ मुझे बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है, मैं आपको वही एप्लीकेशन बताऊँगा। इसके लिए मैं सीधा आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहीं पर मैं आपको उस एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा। तो चलिए सीधा हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर केदारनाथ आपको ओपन दिखाई दे रहा है। जब हम यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे देखिए पूरा टाइम के हिसाब से, पूरा डे के हिसाब से ये दिन का टेम्परेचर भी दिखाता है, रात का टेम्परेचर भी दिखाता है। और अभी देखिए मुझे जाना है 31 अक्टूबर में केदारनाथ की यात्रा करने, लेकिन फिलहाल हमको यहाँ 10 डे का ही डाटा मिलता है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, संडे में यहाँ दिन का टेम्परेचर 21 है और रात का जो टेम्परेचर है 10 है, लेकिन जब मैं जाऊँगा ये टेम्परेचर माइनस में हो जाएगा। तो एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। अभी वहाँ देखिए ये बारिश का मौसम दिखा रहा है, हल्की हल्की बारिश हो सकता है, वहाँ बारिश हो रही हो। हमारे उत्तराखंड में फिलहाल बारिश का ही मौसम चल रहा है, तो वहाँ पर ही बारिश हो रही होगी। और उसका देखिए पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा होता है कि बारिश के कितने परसेंट चांस है, जैसे कि 45% बारिश के चांस हैं। जितने ज़्यादा परसेंटेज चांस होगे उतना पक्का होता है कि बारिश होगी ही होगी। और जब स्नोफॉल पड़ती है तो उसका अपडेट भी आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अब मैं आपको इस एप्लीकेशन का नाम दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आप इसके अंदर किस तरह केदारनाथ को अपडेट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम इसके अपडेट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं प्ले स्टोर ओपन करिया और यहाँ मैंने एक सर्च किया है याहू वेदर। ये याहू वेदर की एप्लीकेशन है जो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देती है। आप जिस भी शहर में, जिस भी गांव में रहते हैं, आपकी लोकेशन के अनुसार ये आपका डाटा उठा लेती है और इसमें आप जितना मर्जी चाहें उतने सिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं इसको सीधा ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए फिलहाल मैं आपको उसका होम दिखा देता हूँ। मैं फिलहाल हरिद्वार से हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ हरिद्वार का ऐड कर रखा है। हरिद्वार में अभी मौसम ख़राब हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम ख़राब है, हो सकता है 12 बजे के करीब या 1 बजे करीब यहाँ बारिश हो जाए। तो देखिए हमने काफ़ी जगह को ऐड कर रखा है, जैसे कि हरिद्वार मेरा मेन हो गया, फिर लेह लद्दाख मैंने यहाँ ऐड कर रखा है, स्पीति मैंने यहाँ ऐड कर रखा है, देहरादून मैंने यहाँ ऐड कर रखा है, ऋषिकेश हो गया, एक केदारनाथ हो गया। केदारनाथ के बाद मैंने देखी और भी चीज़ें ऐड कर रखी, यानी एक बेहतरीन एप्लीकेशन से इसमें आपको पूरा सटीक अपडेट मिलता है। आपको कुछ भी यहाँ ऐड करना है नॉर्मल, आपको यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ जो भी आपकी लोकेशन है उसको यहाँ डाल देना है। जैसे आप डालेंगे वो लोकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी और आप बहुत ही आराम से इसका पूरा डाटा यहाँ देख सकते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डाटा दिखाएगा और यहाँ आपको मैप भी दिखाई देगा, उसके अनुसार भी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो अगर आप केदारनाथ का प्लान बना रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ जरूर करिए और इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने साथ उन कपड़ों को रखिए जिसकी जरूरत आपको वहाँ पड़ जाएगी, वरना वहाँ मौसम तो हमेशा ही ठंडा रहता है, तो गर्म कपड़े तो आपको अपने पास रखने ही चाहिए। बाकी अगर बारिश का मौसम हुआ तो उसमें आपको अपने साथ रेनकोट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश
कब स्नोफॉल में बदल जाए वहाँ पता नहीं चलता है। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को केदारनाथ के वेदर की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट लाता रहूँगा। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।